Hey guys, this is me Alyssa. Welcome back to my channel and I'm back with another blog. So आज का ब्लॉग एकदम रैंडम सा ब्लॉग है. एक्चुअली मैं जा रही हूँ DTDC जो कोरियर ऑफिस है वहाँ से अपना कुछ कोरियर रिसीव करने. और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या फिर आज के रैंडम ब्लॉग, पता नहीं आगे मैं क्या करने वाली हूँ उस ब्लॉग में, बट मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि रिसेंटली मैंने अपना एक न्यू चैनल भी स्टार्ट किया है, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने पहले. तो उसका नाम जो है एलिस स्विफ्ट रिव्यू करके है, एलिस स्विफ्ट रिव्यूज़, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा. बिकॉज वो नया चैनल बनाने के पीछे ये रीज़न है कि मैं इस चैनल पे सब कुछ नहीं डाल सकती हूँ. मेरे इसमें कंटेंट काफ़ी डिफरेंट है, उसमें सिर्फ रिव्यूज़ वाली वीडियोज़ होंगे, मतलब मैं चीज़ों को रिव्यू करूँगी एंड उसी से रिलेटेड एक और प्रोडक्ट जो मुझे आया है उसको मैं रिसीव करने जा रही हूँ. सो वो हमारे घर तक डिलीवर नहीं करता, आई डोंट नो क्या इनका लफड़ा है. मतलब कई बार आ चुका है, DTDC से जब भी आता है तो वो मुझे वहाँ पर ही जाना पड़ता है, ऑफिस से रिसीव करने जाना पड़ता है, तो वहाँ पर ही जा रही हूँ. सो चलो अभी मैं ऑटो लेती हूँ, फिर हम आगे की बातें आगे करते हैं. पहुँच गई मिठनपुरा DTDC जो ऑफिस है, यहाँ मेरे पीछे कौन सा जो पहले सिटी लाइफ था वो, उसके अपोजिट जिसमें PNB बैंक है उसी के फर्स्ट फ्लोर पे है. अभी हम ऊपर चलते हैं, देखो बारिश भी हो रही है. और ये आज ना ये बकरीद है, जिस वजह से बकरीद की वजह से ना लोग बहुत कम दिख रहे हैं मार्केट में और मुझे भूख लगी हुई है, तो मैं यहाँ से अपना कोरियर लेती हूँ एंड देन हम फिर कुछ खाने चलेंगे. कोरियर ले लिया है और बात करूँ तो इन्होंने ये बताया कि उधर में इनका थोड़ा सा मतलब उसके इधर में आते हैं, वहाँ तक मेरे घर तक वो नहीं जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत बातें भी हुई उनसे कि हम क्या इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि कहीं और पे वो भेजने के लिए. तो चलो, वैसे इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, मैं जब भी आती हूँ मेरे बहुत सारे कोरियर आते हैं तो ये बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं. सो यस, ठीक है, बस एक ही प्रॉब्लम, मेरे घर तक पहुंचाते नहीं हैं ये लोग, कभी कभी पहुंचा भी देते हैं कभी कभी कोई जाने वाला होता है तो. एंड यस, चलो अभी हम निकल रहे हैं. एक दिन तो बारिश हुई है और बारिश होते हर जगह पानी लग गया, कीचड़ कीचड़ हो गया, बट बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. इतनी ज़्यादा जब गर्मी हो रही है तो बारिश की ज़रूरत थी. अब मैं ये सोच रही हूँ मैं खाऊँ क्या, मुझे भूख लगी हुई है. भूख क्या, मैं मतलब बाहर निकलूँ तो मुझे कुछ खाना ही है, ऐसा वाला हाल है. तो अभी मैं सोच रही हूँ क्या खाऊँ, मोमो खाऊं या पिज़्ज़ा खाऊं, बिकॉज पिज़्ज़ा खाए हुए काफ़ी दिन हो गया. तो चलिए अभी मैं थोड़ा आगे जाती हूँ, देखती हूँ जो मन करेगा वो खाऊंगी. सो गाइज, मैंने फाइनली डिसाइड तो किया था कि पिज़्ज़ा खाऊंगी, बट यहाँ आने के बाद ना मेरा मन और बदल गया. मैंने पहले पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, फिर मेरा ध्यान आया कि लैपिनोज का ना टैको बहुत अच्छा होता है. टैको बोलते हैं, कोई टैकोज बोलते हैं, मैं टैकोज बोलती हूँ. तो मैंने पूछा कि है, क्योंकि लास्ट टाइम आई थी तो वो नहीं था, बट इस बार मुझे मिल गया. तो मैंने टैकोज ऑर्डर किया है, अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर किया है. लोग ऐसे देख रहे जैसे कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं लड़की को ब्लॉगिंग करते हुए. सो यस, 182 रुपीज़ का बिल बन गया है. अब वेट करते 10 मिनट, सबसे डिफ़िकल्ट काम, सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम खाने के लिए वेट करना, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बट 10 मिनट वेट करना ही पड़ेगा. मेरा सॉफ्ट ड्रिंक एंड टैकोज आ चुका है. दिखने में बताओ तो सच में उतना ज़्यादा टेंपटिंग नहीं लगता है जितना मुझे वो पटना में मैंने खाया था तो लगा था, बट यस क्रिस्पी तो है.
बहुत टेस्टी है, क्रिस्पी है। एंड मैंने जो ऑर्डर किया ना उसमें मशरूम, कॉर्नस एंड अनियंस है, फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, चीज़ी है। बाहर तो ये जो है ना वो इतना ज़्यादा क्रिस्पी है, अमेजिंग। ब्लॉग जिसमें मैंने आप लोगों को डीडी देसी का ऑफिस दिखाया और मैंने टैकोस खाया और टेस्टी था। मतलब अगर आप लोगों को टैकोस पसंद है ना तो आप यहाँ का ट्राई कर सकते हो, मुझे लगता नहीं यहाँ और कहीं मिलता है। लैपिनोज का मैंने पटना में खाया था, पटना जितना टेस्टी नहीं बोलूँगी बट स्टिल गुड, बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। एंड वीडियो एंड करने से पहले ये बोलूँगी कि मेरा एक और चैनल जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो आपको अगर प्रोडक्ट्स के रिव्यू से रिलेटेड कोई भी चीज़ें पता करनी हो किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में, इनफैक्ट आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि मैं किस प्रोडक्ट को रिव्यू करूँ, उसकी अनबॉक्सिंग करूँ, क्योंकि मैं उसमें वही सारी चीज़ें करने वाली हूँ। और अभी जो फ़िलहाल मेरे हाथ में जो बॉक्स देख रहे हैं उसका भी कुछ टाइम के बाद उसी पे रिव्यू भी आने वाला है। सो अगर अच्छा लगेगा तो देन सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, या फिर मेरे चैनल पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, जो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ ऐसे ही फनी इन्फॉर्मेटिव एंड कुछ ऐसे ब्लॉग्स के साथ, रैंडम ब्लॉग्स के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।